दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का टॉपिक नंबर 5। इसमें हम बात करने वाले हैं कि किसी भी चार्ज रिंग पर, अगर चार्ज रिंग हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी एक्सिस पर। तो ये जो टॉपिक है वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसके सीधे डेरिवेशन पूछ जाता है या फिर इसके टॉपिक के ऊपर सीधा आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक चार्ज रिंग है। क्या है, एक पूरी चार्ज रिंग है। इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, आप नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। ये चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इसकी एक्सिस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई हमारा पॉइंट होगा हमारा, उस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करेंगे, मान लो ये हमारा इस चार्ज रिंग का, भाई 2D में देखो इसको, 2D में फिगर है। ये हमारे पास एक चार्ज रिंग है, प्लेट जैसी, मतलब समझो आपके घर प्लेट होती है ना, वही वो प्लेट है। उसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसके सेंटर जो है, उस सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ठीक है। ये पॉइंट निश्चित होगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने ये वाला पॉइंट मान लिया, इसको U मान लो। इससे x डिस्टेंस दूर, यहाँ पर x डिस्टेंस दूर ये वाला पॉइंट हमारा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट निकालना है। यहाँ पे कौन सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x2। ये किसके लिए लगता था, ये लगता था एक पॉइंट चार्ज के लिए, छोटा सा चार्ज है उसके लिए ये वाला फॉर्म लगा देता हूँ। कौन सा वाला, KQ/x2। यहाँ पर जो चार्ज है हमारा वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते आप उसको, आपको लग रहा है पॉइंट चार्ज है पूरे सरफेस पर भाई, तो आप इसको पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते। अब इसको पॉइंट चार्ज कैसे बनाए बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या करेंगे, ये यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, छोटा सा DQ चार्ज कट करेंगे। अब देखना कमाल क्या होने वाला है यहाँ पर। ये DQ चार्ज हमने कट कर लिया। अब DQ चार्ज को कट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि ये एक पॉइंट चार्ज ऐसा बिहेव करेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला। आपको समझ में, पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, DQ जस्ट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है, क्या हम इसको इसमें फिट कर सकते हैं, बिल्कुल फिट कर सकते हैं। देखो DE बराबर KDQ/x2। भाई एक छोटा सा चार्ज है, बहुत नन्ना चार्ज है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, छोटी सी। इसको हमने क्या लिया, डी इन्हें लेंगे, ई मतलब बहुत बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी फिर वो, इसको लेंगे हम DE। यहाँ तक समझ आया, छोटा सा चार्ज कट कर लिया। क्यों कट कर लिया, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है KQ/x2। अब देखना क्या हुआ, इसको मान लो रेडियस को आर, तो यहाँ से इसको मान लो आप एक्सेस को आर छोटा। अब देखो ये पॉइंट चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज की मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब इससे अवे हो गई। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई DE, ठीक है। ये इसका एंगल हो गया। इसका कंपोनेंट आपको सभी पता, क्लास 11 पास सभी ने पढ़ा हुआ, एक इधर जाएगा एक्स डायरेक्शन में और एक इधर जाएगा वाई डायरेक्शन में। ये क्या होगा, DE cos थीटा और ये होगा DE साइन थीटा। आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि कंपोनेंट कैसे कैसे लगाते हैं इसमें, कि थीटा के हिसाब से डी cos थीटा इधर और DE साइन थीटा इधर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट चार्ज की, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकती है, मैं बताता हूँ। देखो क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसको काट करेंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट है, नहीं ये DQ चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो क्या होगा, DE इधर जाएगा और DE cos थीटा इसका इधर जाएगा और DE sin थीटा ऊपर जाएगा और DE sin थीटा से DE sin थीटा कैंसिल आउट होगा। जब DE sin थीटा से DE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो DE cos थीटा जो होगा ऐड होगा, ठीक है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी निकलेगी एक पॉइंट चार्ज की, वो आप निकालोगे DE cos थीटा कंपोनेंट से। तो देखिए क्या करना है, DE cos थीटा का क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ DE
कॉस थीटा। देखो यहाँ से ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको क्यों करना होता है, छोटे छोटे चार्जेस को ज्वाइंट करने के लिए या फिर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्वाइंट करने के लिए, मतलब इंटीग्रेशन एक मेथड है जो कि छोटे छोटे चीज को एक बड़े रूप में आकार देता है। अब इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा डी कॉस थीटा का, हर एक डी को काट के सबका इंटीग्रेशन। अब क्या करना है यहाँ पे हमें कि डी की जगह ये वाला लगा सकते हैं के डी क्यूब एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लगा सकते हैं। लगा देखो, लगा दो के डी क्यूब बाय एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखना है क्या होगा, ये कोई कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, कॉस थीटा यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है। एक्स कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो दूरी थी वो निश्चित थी, हमें इसी पॉइंट पर क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो के एक्स और कॉस थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको निकाल देंगे हम बाहर। यार बेसिक सी बात है, आप क्लास 11 पर पढ़ के आए हो कि एक्स स्क्वायर कॉस थीटा और इंटीग्रेशन में क्या जाएगा के डी क्यू, सॉरी डी क्यू। अब आप जब छोटे छोटे चार्ज को इंटीग्रेशन करोगे तो एक बड़ा चार्ज बन के आएगा, मतलब टोटल चार्ज इसका, तो टोटल चार्ज कौन सा होगा क्यू, इज इक्वल टू के क्यू बाय कॉस थीटा एक्स स्क्वायर। याद आ समय आ गया, इज इक्वल टू के क्यू कॉस थीटा बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह, सॉरी कॉस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन आर, समझ गए ना, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस ये अपन लगा देंगे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन आर। यहाँ तक सेम आया, अब देखो ये क्या बन जाएगा के क्यू बाय एक्स आर क्यू, ठीक है, ये बन गया आर क्यू और ये ऊपर क्या बन गया के क्यू एक्स। अब एक आर की जगह यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, देखो पाइथागोरस लगा दो उसमें, हाइपो का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर लाए अब इसको रफ करें थोड़ा, नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हो पीछे आकर के। देखो प्लस, ठीक है, हाइपो का स्क्वायर प्लस बेस का, सॉरी ये रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी सॉरी, ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करना है यहाँ पर कि इस आर के जो स्क्वायर है इसको इधर भेजो, क्या बन क्या आएगा, ये आएगा आपका वन अपॉइंट टू में, यहाँ तक ठीक है। इसको अनरूट ले लो, अनरूट भी वन अपॉइंट टू की फॉर्म में होता है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आपको पता होगा, बायो वालों को भी पता होगा बेसिक है, ठीक है, मैं भी बायो वाले ही हूँ, ठीक है। चाहे देखिए इज इक्वल टू के क्यू वाई के क्यू एक्स वाई क्यू। अब एक आर की जगह क्या हम ये रखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन पॉइंट टू, एक आर की जगह अगर इसको हम अलग अलग करें, एक आर स्क्वायर रखते हैं और एक आर इधर रखते हैं, तो क्या करेंगे एक आर की जगह हम इसको रख देंगे, समझ में आ रहा। अब ये वैल्यू क्या बन के आएगी, इज इक्वल टू के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाय टू, यहाँ तक क्लियर है। थ्री बाय टू कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर टू ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने एक आर की जगह इस वाली वैल्यू को पुट करा है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर मान लो इफ एक्स इज मच 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 लार्जर देन आर, सॉरी अगर ये आर ज्यादा छोटा हुआ, ठीक है, और ये जो एक्स है हमारा वो छोटा हुआ, मान लो इसकी रेडियस बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत बड़ा प्लेट है और इसका जो पॉइंट है वो बिल्कुल नियर रखा हुआ है, ये कंडीशन बन जाए तो क्या रह देंगे, ये बिल्कुल नियर हो जाएगा बिल्कुल जीरो,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, टू से टू कटेगा और ये एक्स क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, ये इक्वल टू के क्यू वाई एक्स। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ के क्यू वाई एक्स एक्स क्यूब। अब ये क्या होगा, आप सीधे सीधे लगा दोगे के क्यू वाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे। तो ये क्या निकल के आई आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा आई होप। तो यही था ऐसा कंसेप्ट, आप समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट अब भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए वेट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे कि आपको अगली वीडियो मिल जाए। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।